मैं डॉक्टर नीरज गुप्ता, सीनियर होम्योपैथ। सारे लोग परेशान होते हैं, कोई भी बीमारी होती है, कुछ भी होता है, क्या लेना चाहिए। आज मैं आप लोग के लिए वीडियो अपलोड कर रही हूँ, होम्योपैथिक वर्सेस एलोपैथिक। आखिर एलोपैथिक क्यों लेनी चाहिए और कब लेनी चाहिए और क्यों नहीं लेनी चाहिए, और होम्योपैथिक कब लेनी चाहिए, क्यों लेनी चाहिए, कैसे लेनी चाहिए, किन डिजीज में हमको क्या बेनिफिट दे सकती है। बहुत सारे क्वेश्चंस मन में आते हैं, डिजीज होती है, हम किसके पास जाएं, होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाएं, एलोपैथिक डॉक्टर के पास, किस बीमारी में क्या करें। तो हमको सबसे पहले जानना चाहिए कि बीमारी है क्या, क्या होती है बीमारी, और किसकी वजह से बीमारी हुई है, और बीमारी में क्या कारण है, क्या सब कुछ है, वो भी हमें जानना चाहिए। जब तक हम नहीं जानेंगे तो ऐसे ही अपनी बॉडी को मेडिकल स्टोर नहीं बनाना चाहिए। जो मन में आया खा लिया, जिस डॉक्टर ने जो दिया वो खा लो, उन सबसे तो क्या होगा, कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगी। और आज आप देख रहे हैं इम्यूनिटी डेफिशिएंसी जैसी डिजीज आ रही हैं, जिन जिनकी इम्यूनिटी डेफिशिएंसी है उन्हीं को ये सारी डिजीज आ रही हैं। कोविड जैसी डिजीज है और भी सारे जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो सब इम्यूनिटी डेफिशिएंसी से आ रहे हैं। तो हम क्यों बचपन से अपनी इम्यूनिटी कम करते जा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं अपनी नई जनरेशन के लिए। लोग कहते हैं कि हमने क्या है, इतने सालों में इतना हमने कमा लिया, अपनी इंडिया को कहाँ आगे तक ले गए। कहाँ आगे ले गए हो आप वेल्थ ले जा रहे हो या हेल्थ ले जा रहे हो। हेल्थ तो आपकी डिटोरिएट हुई है पहले से, वो हेल्थ आपने अच्छी कहाँ की है, आपकी इम्यूनिटी इतनी कम हो गई है, आपको इतने ज़्यादा बैक्टीरिया अफेक्ट कर रहे हैं, इतने वायरस अफेक्ट कर रहे हैं, इतना फंगल डिजीज आ रहा है जिनका कोई ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा। सोचा था कभी मेडिकल साइंस इतना आगे बढ़ने के बाद हम ये हालत में हो जाएंगे कि हमें ट्रीटमेंट ढूंढने के लिए परेशानी होगी, हम एक दूसरे से बात नहीं करेंगे। डॉक्टर्स भी हैं, सारे लोग परेशान हो रहे हैं कि हम लोग क्या करें, इतनी बीमारी फैल रही है, इतना परेशान हो रहा है, कैसे स्प्रेड हो रही है। इसमें कोई कुछ नहीं करेगा, एक दिन में कोई किसी की इम्यूनिटी नहीं बढ़ा सकता। हम लोग सोचते हैं कि हम आज गर्म पानी पी लेंगे और मेरी इम्यूनिटी अच्छी हो गई, भाप ले लेंगे तो इम्यूनिटी अच्छी हो गई, मुझे कोरोना अफेक्ट नहीं करेगा, कोरोना वायरस अफेक्ट नहीं करेगा। ऐसा कैसे हो सकता है, एक दिन में कोई इम्यूनिटी अपनी सही कर सकता है, कभी नहीं हो सकती। एक दिन में जब हम अपने नेचर को नहीं संभाल सकते तो हमारी बॉडी कैसे संभल जाएगी नेचर के प्रति। आप ऐसा क्यों सोचते हो कि एक दिन में मेरी इम्यूनिटी सही हो जाएगी, कभी सही नहीं होगी। इसके लिए मुझे बचपन से ही काम करना पड़ेगा और अपने सही वे ऑफ लिविंग स्टाइल को सही करना पड़ेगा, अपने डिसीजंस को सही करना पड़ेगा कि मुझे कब क्या चीज़ लेनी चाहिए और नहीं लेनी चाहिए, मुझे कब कौन सा ट्रीटमेंट लेना चाहिए। तो मेन दोस्तों सबसे बड़ी बात आती है कि हमको ट्रीटमेंट सबसे पहले क्या लेना चाहिए। कोई बीमारी होती है, जुकाम खांसी होता है, तुरंत हम चले जाते हैं डॉक्टर के पास, बहुत सारी लॉट ऑफ मेडिसिन लेके बड़े खुश हो जाते हैं, दो दिन में फीवर सही हो गया, काम पे दोबारा दौड़ लेते हैं। ठीक है, आप काम पे दोबारा चले गए, आपने पैसा बहुत कमा लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन अपनी हेल्थ को डिटोरेट कर लिया। एक एज आ जाती है जिसमें आप कहते हैं मेरी इम्यूनिटी इतनी कम हो गई है कि बस हवा लगती है और मुझे खांसी हो जाती है। तो वो सब आप ही ने किया ना, क्यों किया अपनी बॉडी को डिटोरेट, क्यों अपनी बॉडी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इस तरह से एक साथ मत लीजिए। मैं तो आपको कहूँगी और मैं चाहती हूँ अब लोग समझ भी चुके हैं इस तरह की हरकतें। तो इस तरह से हम लोगों को किसी भी बीमारी में, देखो कोई प्यार से मानता है सबसे पहले प्यार से किसी को प्यार से समझाया जाता है, जब कोई प्यार से नहीं मानता तब हम पंच से बात करते हैं। ये हमारा नॉर्मल फिनोमेना है, हमारा लिविंग सारी चीज़ों में है। तो जब हमारे साथ है तो हम इस बात को अपने साथ क्यों नहीं लागू करते, अपनी बॉडी के साथ क्यों नहीं अप्लाई करते कि नॉर्मल सी बात है, जब कोई हमारी बॉडी हल्का जुकाम हुआ और भाप लेने से सही हो जाता है तो क्यों मैं एलोपैथिक या अनंत दवाएं लूँ। ऐसे ही थोड़ा सा परेशानी हुई है, यदि मेरी होम्योपैथिक दवा से सही होती तो मैं क्यों एलोपैथिक का सहारा लूँगी। एलोपैथिक का तब सहारा लूँगी जब होम्योपैथिक की लिमिटेशंस खत्म हो जाती हैं। तो होम्योपैथिक की भी लिमिटेशंस हैं दोस्तों, जहाँ हम होम्योपैथिक का काम नहीं कर पाते तब मैं कहती हूँ हाँ आप लीजिए, ज़रूर लीजिए और पैथियों का। लेकिन किसी भी बीमारी में हमेशा सबसे पहले फर्स्ट चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट होम्योपैथिक रखिए। फर्स्ट चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट अचानक पेट दर्द हुआ, डायरिया हुआ, लूज मोशंस हुआ, थोड़ा सा जुकाम खांसी हुआ, फीवर हुआ, एक्यूट भी डिजीज। लोग कहते हैं होम्योपैथिक ना बहुत क्रॉनिक दवा में काम करती है, जब बीमारी बढ़ती है तो जो चीज़ यदि क्रॉनिक में काम करेगी वो क्या एलोपैथिक होम्योपैथिक दवा क्या आपकी एक्यूट में काम नहीं करेगी, एक्यूट में तो और काम करेगी। आप खुद सोचो जो लंबा इलाज कर सकती है वो क्या तुरंत होने वाली बीमारी को अपने शरीर से नहीं निकाल सकती, एक्यूट को तो झटके से निकाल देगी यदि वो क्रॉनिक को निकाल रही है। तो आपको ये बात समझना चाहिए होम्योपैथिक के माइथ हैं जिनको आपको हटाना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा माइथ है कि होम्योपैथिक क्रॉनिक पे काम करती है एक्यूट पे नहीं, एक्यूट पे बहुत फर्राटेदार काम करती है, सेम एलोपैथिक की तरह काम करती है, बशर्ते आपको डॉक्टर और सारा सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन सही हो जाए। वो तो नॉर्मल सी बात है, सबके साथ होता है सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन। कोई डॉक्टर एलोपैथिक एक डॉक्टर नहीं आपको पूरा ट्रीटमेंट कर पाता, आप दूसरे के पास जाते हो, सेम ऐसे ही होम्योपैथिक में होता है। तो ऐसा क्यों सोचते हो, होम्योपैथिक एक्यूट पे काम करती है, तुरंत फीवर को ख़त्म करती है जैसे एलोपैथिक दवा करती है,
इसीलिए मैं आपसे कहूँगी किसी भी बीमारी में कोई भी परेशानी हो, सबसे पहले फर्स्ट चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट होम्योपैथिक होना चाहिए। और आपको बताऊँगी बीमारी के बारे में, आखिर डिजीज़ क्या है। डिजीज़ डिस ईज़, इजीनेस में जहाँ डिस्कम्फर्ट फील हो, मीन्स डिजीज़। तो आपकी बॉडी में यदि कहीं डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है तो आप ज़रूर डॉक्टर के पास जाइए और अपना इलाज कराइए। हाँ, कहीं ना कहीं मुझे डिस्कम्फर्ट है, वो क्या है, स्टार्टिंग में ट्रीटमेंट ले लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। डिजीज़ हमको पैदाइशी होती है, कई बार बहुत सारे डिजीज़ की फॉर्मूला, आखिर डिजीज़ बनी और कैसे हो, क्या कारण है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। जस्ट अभी बस यही कहूँगी आपसे, कभी भी किसी भी छोटी सी बीमारियों के लिए प्लीज़ अपनी बॉडी को पंच मत मारो। यदि आप थोड़ा समझाने से समझ जाते हो तो बेटर है होम्योपैथिक फर्स्ट चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट अपनाओ, उसके बाद जरूरत हो तो आप जरूर एलोपैथिक पे जाइए, बेटर होगा। आपको इम्यूनिटी आपकी ख़राब नहीं होगी, आपकी बॉडी आपके साथ खिलवाड़ नहीं करेगी और आप आराम से सही हो जाओगे। ओके, थैंक यू भाई।